हिमांशु, नेट क्लियर कैसे किया आपने? क्या शेड्यूल रहा? नीट का ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो इस वजह से पूरी प्लानिंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए 8 से 10 घंटे का टाइम मैंने अलॉट किया अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और पूरा अच्छे से शेड्यूल बनाता था कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ब्रेक लेना है और ये टॉपिक मुझे आज करना है, ये कंसेप्ट मुझे अब क्लियर करना है, तो पूरी प्लानिंग से करता गया, लेवल वाइज करता गया, तो कोई दिक्कत मुझे रिविजन के टाइम पे भी नहीं आई और प्रेशर भी इतना फील नहीं हुआ कभी, तो और रैंक की आज आपके ये रिजल्ट सामने है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हासिल कर लिया अपने? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हासिल कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये होता है कि आप एक फ्लो में चले जाते हैं बोर्ड्स के साथ साथ, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे भी आपको रिवीजन करनी होती है और नीट के टाइम पे, और उस टाइम पे प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं और बोरिंग सा फील करने लग जाते हैं बार बार सेम चीज़ को पढ़ते हुए, तो हम एक फ्लो में चलता गया। बोर्ड की तैयारी और नीट की तैयारी साथ साथ की थी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हुए, तो एक बार में हो गया। लेकिन आपने कोचिंग की बजाय सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दिया, ये क्यों? क्योंकि मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस काफ़ी रहा है, और मुझे ये लगता था कि अगर कोई कंसेप्ट में कमी है, अगर मैं डाउट पूछूंगा तो उससे एक एक चीज़ पता चलेगी, दो चीज़। अगर मैं खुद ही अगर बुक से एक्सप्लोर करूंगा तो उससे मुझे 10 बातें नहीं पता चलेंगी, 20 बातें, और उससे क्या होगा, जो अगर नए क्वेश्चन आ रहे हैं या बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे ठीक हो जाएंगे और मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। एक गलती आप भी करके एग्जाम के टाइम मुझे टॉपर बन जाते, क्या गलती थी वो? वो गलती ये थी कि थोड़ा सा ये था कि हाँ सारे अटेम्प्ट करने ही हैं, क्यों लेकिन क्योंकि फिर बाद में ये ना रह जाए कि अगर कर देता तो फिर, लेकिन ये है कि हाँ परफेक्ट कोई भी नहीं है, जो गलतियाँ हुई हैं जैसे 6 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो जो गलतियाँ हुए हैं उसको इम्प्रूव करने के कहाँ कमी रही है उसको आगे इम्प्रूव करेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो टॉपर होते? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हाँ वो फिर सभी करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर बराबर आ जाते। ठीक, शुक्रिया। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।